दीप ज्योतिः परम ब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। उस प्रकाश को नमस्कार है जो सर्वोच्च ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, जो जनार्दन अर्थात श्री विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, जो मेरे पापों को दूर करे, उस प्रकाश को नमस्कार है। ज्योति अंधेरे को मिटाती है और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाती है। वेदों में तथा उपनिषदों और पुराणों में ज्योति की उपमा के रूप में अनेक सूत्र, मंत्र और कथाएं भी हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि ज्योति रहित जीवन व्यर्थ जीवन होता है। ज्योति को ईश्वर का स्तर दिया गया है। ज्योति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है दिव्य प्रकाश। दार्शनिक दृष्टि से अगर देखें तो ज्योति के कई अर्थ होते हैं। एकम सत्यम विप्रह बहुधा वदन्ति। दुनिया ने, संसार ने ज्योति को सर्वोपरि माना है। वो मंदिर में जलता हुआ दिया हो या गिरजाघर में जलती हुई मोमबत्ती हो या तो आसमान में चमकते हुए चांद और सितारे हो, ये सब उस एक सत्य के प्रतीक हैं जिस पर हर एक व्यक्ति का विश्वास टिका हुआ है। हमारे जीवन में ज्योति का अर्थ क्या है? ज्ञान। हम अंधकार में क्यों बंद हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते। ज्योति के बिना संसार में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए कह सकते हैं कि ज्योति ही जीवन है। दीपक के लौ से ज्योति की उत्पत्ति होती है और दीपकों की श्रृंखला से अमावस्या की अंधेरी रात भी प्रकाशमय हो जाती है। इसी अमावस्या की रात्रि को भगवान श्री राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे। इसी अमावस्या की रात्रि को श्री कृष्ण ने माता भूदेवी के पुत्र नरकासुर का वध किया था और इसी अमावस्या की अंधेरी रात्रि को लक्ष्मी देवी धरती पर उतरकर घर घर को सुख तथा समृद्धि प्रदान करती है। और इसी कार्तिक मास की अमावस्या को हिंदुओं द्वारा दीपावली त्योहार मनाया जाता है, जिससे अमावस्या की घनी रात भी शुभ मंगलमय हो। शुभम करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। इस दीप को प्रज्वलित करके हम सारे वातावरण को शुभ और कल्याणकारी करें। इस दीपक की ज्योति से सारे शत्रुभाव मिट जाए। इस पावन दीप को हमारा नमस्कार। दीपावली त्योहार 3 दिन पहले धनतेरस के साथ शुरू होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी करनी चाहिए। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या फिर खेतों में बोते हैं। अमृत कलश हस्ताय सर्वा
धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा बहुत ही प्रचलित है कि जब एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी भी दया का भाव नहीं आता है, तो दूतों ने यमदेव के भय से पहले ही कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। परंतु जब यमदेव ने दूतों के मन का भय दूर कर दिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमा के पुत्र का प्राण लेते समय उनकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय पसीज गया था, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाह कर भी कुछ ना कर सके। एक दूत ने बातों ही बातों में यमदेव से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या महाराज? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेव ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। यह पर्व दीपावली महोत्सव के एक दिन पूर्व आता है। उस दिन यमराज की पूजा की जाती है। उस दिन रात में यम के लिए एक दीपक सरसों के तेल से जलाई जाती है, उसको यम दीपक भी कहा जाता है। मान्यता है कि उस दिन यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। नरक चतुर्दशी की रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। उसमें ये एक कथा भी आता है कि एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम रंती देव था। स्वभाव से बहुत ही शांत एवं पुण्य आत्मा, उन्होंने कभी भी कोई गलती से भी किसी का अहित नहीं किया। उनकी मृत्यु का समय आया, यम दूत इनके पास आए, तब इन्हें पता चला कि इन्हें मोक्ष नहीं बल्कि नरक मिला है। तब उन्होंने पूछा कि जब मैंने कोई भी पाप नहीं किया है तो मुझे नरक क्यों भोगना पड़ रहा है। उन्होंने यम दूतों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि एक बार अज्ञानवश आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, इसी के कारण आपका नरक योग है। तब राजा रंती ने हाथ जोड़कर यमराज से कुछ समय देने को कहा ताकि वे अपनी करनी सुधार सकें। उनके अच्छा आचरण के कारण उन्हें यह मौका दिया गया। तब राजा रंती ने अपने गुरु से सारी बात कही और उपाय बताने का आग्रह किया। तब गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वे 1000 ब्राह्मणों को भोग लगाएं और उनसे क्षमा मांगे। रंती देव ने यही किया। उनके कार्य से सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद के फल से रंती देव को मोक्ष मिला। इसलिए इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। दण्डहस्ताय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। वैवस्वताय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी के साथ देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी और देवी लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। दीपावली त्योहार में उनकी गणेश सहित पूजा की जाती है, जिनका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद की श्री सूक्त में मिलता है। गायत्री की कृपा से मिलने वाले वरदानों में एक लक्ष्मी भी है। जो मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करता है वह दरिद्र, दुर्बल, कृपण, असंतुष्ट एवं
पिछड़ेपन से ग्रसित नहीं रहता। क्या माँ लक्ष्मी सिर्फ धन देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है? नहीं, बल्कि वो स्वास्थ्य और जो सारे हमारे अच्छे कर्मों का फल, उसका लाभ भी देती है। हमारे पास यदि बहुत सारा धन हो किंतु हम अकेले हैं तो उसका क्या लाभ? इसीलिए माँ लक्ष्मी हमारे जो संबंध हो, हमारे रिश्तेदारों, हमारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली, हमारे रिश्ते को और मजबूत बना देते हैं और इसी तरह हम धनवान बनते हैं, हम धनी बनते हैं कि हमारे पास हमारे सारे परिवार इकट्ठित है, एक साथ है। अब एक और लक्ष्मी है, दूसरी तरफ अलक्ष्मी भी होती है। अलक्ष्मी का अर्थ है जो लक्ष्मी का विपरीत होता है, उसका ओपोजिट। उसका क्या अर्थ है? जब हम लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं तब वो अलक्ष्मी का रूप बनकर हमारे घर आते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारे जो धन है हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका गलत कार्य में डाल रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, तो इस तरह अलक्ष्मी स्थान लेती है। और जहाँ पर गंदगी हो तो वहाँ लक्ष्मी कैसे रह सकती है? इसलिए दीपावली के पर्व पर सारे जो हिंदुओं अपने घरों, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और साथ ही साथ गणपति का भी आवाहन करते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ शुभ लाभ जब हम बोलते हैं ना तो ज्ञान और संपत्ति दोनों साथ चलते हैं। दीपावली त्योहार की लोकप्रियता तथा उनकी एकमतता को सभी लोगों ने अपनाया है, यहां तक कि फिल्म निर्देशकों तथा लेखकों ने भी मनोरंजन की दुनिया में दीपावली की सुंदरता को अपनी फिल्मों में दर्शाया है। जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मूवी में आई दिवाली का गाना, आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंधे ने दिल धड़काया है, लगे सजना मेरा आरारा, लगे सजना मेरा आरारा, लगे सजना मेरा आज पगलाया है, ओ लगे सजना मेरा आज पगलाया है। जुगनों का दीप दिवाली, आहा, आहा, आजा।
rim pa 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 aurum 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 pa 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 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे दीप दिवाली के झूठे रात जले सुबह टूटे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्याले प्याले ले बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे दीप दिवाली के झूठे कभी खुशी कभी गम का यह प्यारा गाना। त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम डिलीवरी का हैप्पी दिवाली।
आप सभी की दीपावली हैप्पी हो या खुशियों से भरा हो। इसीलिए दीपावली के अवसर पर हम सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। मन में यही इच्छा रखते हैं कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में सदा वास करे और आपके घर परिवार को सुख समृद्धि तथा संपत्ति से भर दे। इसीलिए ना सिर्फ हिंदुओं ने बल्कि दुनिया के सभी लोगों ने सभी देशों में दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और दीपावली त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। आज दीपावली एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बन गया है। जहां पर भी भारतीय मूल के लोग बसने गए हैं उन उन जगहों में दीपावली मनाई जाती है। उन शहरों के लोग, उन देशों के लोग ने समझा दीपावली का एसेंस, दीपावली का महत्व, दीपावली की गहराई और उन्होंने इसको अपनाया। वो पेरिस हो, लंदन हो, टोरंटो हो, सिडनी हो, सिंगापुर हो, हर एक शहर में आज दीपावली मनाई जाती है। कुछ साल पहले मैं खुद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी में था और वहां पर पांच दिनों के लिए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मनाई गई। ये दर्शाता है द यूनिवर्सलिटी ऑफ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। रोशनी, खुशहाली और मिठास बांटने के जरिए दीपावली दुनिया भर में सुख, शांति, अमन और भाईचारे बांटने की सीख देती है। इस पैंडेमिक काल में हमारी बस यही प्रार्थना है कि दीपावली देश विदेश के हर एक घर में, हर एक दिल में आशा की, उम्मीद की जगाए। हर हिंदू त्योहारों, उत्सवों या पूजा की भांति दीपावली त्योहार भी अपने साथ अनेक गुण तथा संदेश लाता है कि आइए हम सब अपने अंदर के अंधकार को दूर करके प्रकाश के दिए जलाएं और संसार में जो भी दुर्गुणों के नाम पर घटनाएं घट रही है उन सब को हम सही मार्ग पर ले जाएं। हे परमात्मा, हम सबको असत्य से सत्य की ओर, तमस से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएं। विश्व भर में शांति, शांति और शांति ही रहे।